हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया एंड यू वाचिंग प्रियाज नेट। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आई होप कि आपका शिवरात्रि बहुत अच्छा बीता होगा। तो जो शिवरात्रि का जो स्पेशल फूड मेन्यू था और वो पूरे दिन मैंने क्या किया, वो सब मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस तरह के और भी व्लॉग्स, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे जुड़ सकते हैं। दोनों की आईडी जो है वो स्क्रीन पे है, और मेक श्योर दैट यू फॉलो मी देयर, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने डेली अपडेट्स वहाँ पे डालती रहती हूँ। तो दिन की शुरुआत जो हुई है मेरी, वो हुई है पूजा से, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था शिवरात्रि के दिन। और आप यहाँ देख सकते हैं कि टुकु मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि पूजा के टाइम पे भी उसे मेरे साथ ही रहना होता है। मुझे जो भी छोटे छोटे फेस्टिवल्स ही हों, उन्हें सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपने तरफ से करती हूँ। और महाशिवरात्रि का जो पर्व है, ये मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। और इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैंने निखंड स्टार्ट किया था, विदाउट वाटर मैंने स्टार्ट किया था। अभी टुकु के साथ थोड़ा ये सब मैनेज करना मुश्किल होता है, सो मैंने सिर्फ पूजा किया है, फास्ट मैंने नहीं रखा था। और यहाँ पर पूजा जो है वो ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हो मैं आरती कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं यूजुअली जो भी बड़े लोग होते हैं घर पे, उनको मैं फ़ोन करके उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। सो आई वॉज़ कॉलिंग माई मॉम और डैड। और उसके बाद फिर थोड़ा लेट हो गया था, तो सबसे पहले मैंने ग्लूकोज पिया है पानी में डाल के, क्योंकि वो आपके पेट को ठंडा करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये मैं फॉलो करती हूँ। घर में फेस्टिवल हो और कुछ मीठा ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए सबसे पहले जो मैंने चीज़ बनाई है वो है खीर। तो खीर की रेसिपी आपको मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में मिल जाएंगे, आप वो जाके चेक कर सकते हो, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी में है वो है आलू मेथी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पूड़ियाँ तल लूँगी, आप जैसा देख सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का मैंने रेसिपी तो नहीं डाला है, बट लेट मी नो अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम सोया चाप खाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगेन सोया चाप है, एक है मलाई सोया चाप और एक अचारी सोया चाप। तो रवि ने इसे मंगाया है कहीं से, और उनको भी ये खाने का मन था, और वी ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट, लाइक एक बार और मैं खा के देखना चाहती थी कि शायद दूसरे जगह का और थोड़ा अच्छा हो, और थोड़ा दूसरे वेरिएशन का हम लोग ट्राई कर रहे थे। लेकिन मुझे थोड़ा च्यूई लगा, क्योंकि एक तो कि तंदूर था, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा च्यूई होगा ही, उतना सॉफ्ट नहीं होगा, बट इट वॉज़ लाइक ओके। तो जो आज का फूड मेन्यू था वो यही था, पूरी आलू में थी, सोया चाप, और मीठे में जो था वो खीर था। तो हम लोग अभी फटाफट ये पहले खा लिए हैं, आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने जो खीर है उसको मैं फ्रिजर में डाल रही हूँ, उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए। और क्योंकि टुकु जो है वो सो रही है, सो उसके उठने से पहले जो भी खाना पीना है वो सब ख़त्म कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर वो उठती है तो हम लोगों में ही इंगेज रहती है। रवि का आज वर्क फ्रॉम होम था, तो वो घर से काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि टुकु का, तो टुकु सो रही है और उसके उठने से पहले सब कुछ ख़त्म करना है, तो फटाफट हम दोनों अभी खीर खाएंगे।
तो यही था प्रिटी मच हमारा आज का सीन, और इसी तरह पूरा बिजी डे रहा, बहुत बिजी एक्चुअली रहा, बट इट वॉज वेरी गुड एंड वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव डे रहा, बहुत प्रोडक्टिव डे रहा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।